राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और दिन की शुरुआत हो चुकी है और टेम्परेचर है आज 9 डिग्री मॉर्निंग का। और मैं ऑफिस जाने के लिए रेडी हो चुका हूँ, पूजा भी मैंने कर ली और मेरा नाश्ता आ चुका है। नाश्ते में क्या है, पराठा और चाय। आप कबीर को देख रहे हैं ना, कबीर की छुट्टी एक्सटेंड होती जा रही है, ये समर विंटर का इन्जॉय करते जा रहे हैं। बट हाँ, इनकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। यस, आज छुट्टी है, मगर आज छुट्टी है ना। तो आइए चलते हैं, देखते हैं रसोई में गुड़िया क्या कर रही है, उनसे भी मिलाते हैं, है ना, क्योंकि वो तो हमारे जीवन का हिस्सा है, मगर जुटी रहती है ठंड में। और मैं मिलाता हूँ आपसे दोस्तों, है ना। ये देखिए कैप वैप लगा के, ये देखिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे, कैसे हैं आप सब। और सुबह की शुरुआत हो गई है और मैं बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में बना रही हूँ थोड़े से नमकीन पराठा, और मैंने बनाई है आज शिमला मिर्च की सब्जी और मटर का पुलाव लंच में। हाँ, ठंडी में मन नहीं होता किचन में आने का, कुछ करने का, बस यही रजाई में, तो है रजाई में घुसे रहो, है ना। तो आज है गुरु तेग बहादुर जयंती, तो आज कोशिश रहेगी हमारी, हम आज गुरुद्वारा जाएंगे, हाँ, वहाँ दर्शन करने के लिए। तन्मय आज दिन में ही चला जाएगा, तो उसका एक दोस्त है ना वही गुरुद्वारे में रहता है, सेवा करता है, तो तन्मय ने भी कहा हम भी जाएंगे, सेवा करेगा, हाँ, कह रहा है कि मैं भी सेवा करूंगा जाके। तो हम लोग भी जाएंगे, जब वो फोन करेगा वहाँ से तो हम लोग शाम में जाएंगे दर्शन करने। तो चलिए फ्रेंड्स, इनको भी लेट हो रहा है, इनको नाश्ता करने देते हैं, हम आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों, मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ और गुड़िया आपसे दिन में मिलेंगी, ठीक है ना, रूबरू होंगी और मैं शाम में आपसे मिलता हूँ, ठीक है दोस्तों, चलिए। तो फ्रेंड, शाम का समय हो गया है, आज धूप निकली थी ना, तो मैं सब आज दोपहर में काम ही काम करती रही, क्योंकि धूप बहुत कम निकल रही है ना आजकल। तो मैंने कहा जितनी देर धूप निकली है, मैं जो सारा काम है जैसे बेडशीट है ये सब धोना सुखाना ये सब फटाफट कर लेती हूँ। और उसको करने के बाद मैं और कबीर सो गए थे और उठे हैं शाम को, तो अब शाम का समय हो गया, अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय। और गुरुद्वारे भी हम नहीं जा पाए, मगर ये है कि गुरुद्वारे का प्रसाद हमें घर पे ही मिल गया, हमको मनप्रीत घर पे ही प्रसाद ला के दे दिया है, जो कि मैंने ये देखिए लड्डू, जो कि मैंने और कबीर ने एक एक खा लिए हैं। और कबीर यहाँ स्टडी कर रहा है अपनी, और कबीर यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं अपनी, काम अभी आ रहा है, मैं दोस्त भेज रहा है, आज आज हम मैं और कबीर ठंडे पानी से नहाए हैं। जैसे ही हम दोनों लोग नहाने के लिए बाथरूम में गए, वैसे ही लाइट चली गई, तो वैसे टुल्लू जैसे ही हम लोग वो ऑन करते हैं तो हमारे यहाँ गर्म ही पानी आता है, तो लाइट चली गई, तो आज हम दोनों ठंडे पानी से नहाए हैं। तो बाल बाल सब धुले ना आज फ्रेंड, तो ठंडा बहुत लग रहा है, तो इसीलिए आज मेरी हिम्मत नहीं बाहर निकलने की, बल्कि ये कॉल कर रहे थे, कह रहे गुड़िया चलो वहाँ चलते हैं गुरुद्वारे, मगर मुझे लग रहा है यही दर्शन करके आ जाएंगे, क्योंकि ठंडा बहुत है, जितनी धूप निकलती है उतना ही शाम को फिर उतना ही ठंडा हो जाता है। और तो अब मैं बनाने जा रही हूँ, पहले तो मैं कबीर के लिए बनाऊँगी चाय, कबीर और अपने लिए चाय पीते हैं और इनका वेट करते हैं, ये आएंगे तो फिर आपको हम इनसे मिलाते हैं। फ्रेंड्स ये भी आ गए, मैं चाय बना ही रही थी तो मैंने इनके लिए भी एक कप चढ़ा दी है, चाय बढ़ा दी है मतलब। ये देखिए आ गए हैं, अरे दोस्त ठंड के मारे बड़ा बुरा हाल है, मैंने आते ही ये देखिए ब्लोअर ले लिया है, ठंडा बहुत है, हाँ। मैंने ग्लास पहन रखे थे, उसके बावजूद भी बहुत ठंड लग रही थी, पूरे जैसे लग रहा हाथों में बर्फ जम गई है, तो मैं वही हाथों को अपने सेक रहा था। और कैप तो अभी भी जस्ट उतारी, इसलिए बाल भी मेरे अजीब से हो रखे होंगे, अभी देखिए मेरे कपड़े भी नहीं, सॉक्स भी नहीं उतारे, मतलब मैंने कहा थोड़ी देर 5 मिनट के लिए पहले हीटर से थोड़ा हीट अप लूं, अगर ये ना हो तो बड़ा ही दिक्कत हो हम लोगों को, बहुत हो रही है। और कबीर खा रहे हैं समोसा, इनकी फरमाइश पे मैं ले आया समोसे, इसका कुछ खाने का मन हो रहा था, कैसा समोसा, बढ़िया। और समोसे के संग ये लाए हैं, ये कबीर को दे दिया है, इसके संग लाए हैं ये हरी चटनी, ये मैं नहीं खाती हूँ, और इसके संग लाए हैं ये वाली चटनी अच्छी होती है। और समोसे फ्रेंड्स बहुत बड़े बड़े समोसे, ये देखिए 12 रुपए का है, ये गायत्री स्वीट हाउस वाली के यहाँ से 12 रुपए का है दोस्तों,
अच्छा समोसा देते हैं ये। हम लोग जब स्कूल जाते थे 2 रुपए का मिलता था समोसा। अभी इसकी कॉस्ट मतलब दो तीन रेट मिलते हैं, कहीं 8 रुपए का, कहीं 10 रुपए का, कहीं 12 रुपए का, और अगर पनीर वनीर पड़ा है या ड्राई फ्रूट्स पड़े हैं तो 15 से 20 रुपए का भी हो सकता है। कबीर देखो कितने मजे से खा रहे, और दे एक और ले लो। था तो दोस्तों 12 रुपए का, मुझे तो नहीं पसंद आ रहा, ऑयली बहुत है यार। हाँ बाइट एक दो खाई भी मैंने श्रीमती से लेके, बट मुझे नहीं अच्छा लगा, मगर कबीर को पसंद आया क्योंकि उनके मुताबिक है ना सादा है, मुझे कम पसंद है इस तरह का। मतलब है तो अच्छा, मतलब हैवी है वगैरह वगैरह, बट मुझे टेस्ट नहीं अच्छा लगा। अब श्रीमती से पूछिए आप हमारी। ठीक है, सो है, ऑयली ज़्यादा है, ऑयली है, मगर मैं चाय से इस समोसे को अपनी चाय से स्वादिष्ट चाय पी के मैं बताता हूँ। गुड़ वाली चाय, गुड़ वाली, वाह दोस्तों, ठंड में चाय। और फ्रेंड्स इन्होंने मेरा कप ले लिया, मैं अपने लिए थोड़ी चाय लाई थी। कोई बात नहीं दोस्तों, क्या तेरा है क्या मेरा है, गीता में लिखा ही है दोस्तों, क्या तेरा है क्या मेरा, सब यहीं रह जाएगा, कोई बात पिएगा। क्योंकि इन कबीर और इसके पापा की चाय भर भर के आए कप में, मेरा भी मन था कम चाय पीने का, तो मैं कम लाई थी, और इनकी हमेशा आ जाता है ये मेरा ही कप उठाते हैं दोस्तों। ये देखिए, अच्छा अब आप देखिए, जब मेरी तरफ रखा है, मैं तो कोई भी होगा मतलब इत्तफाक से तो यही ऐसे ही करेगा ना, जिस तरह से ऑफर तो यही समझेगा कि इधर से नहीं, ये बाय डिफॉल्ट अगर आप बताएं दोस्तों, लॉजिक वाली बात, लॉजिक तो यही कहता है ना, मैं राइट हैंड से तो यही उठाऊंगा। हाँ लॉजिक तो यही है ना, अब इधर रखा है तो मैं यही मतलब के मेरा कप उठाना है। नहीं ऐसा नहीं दोस्तों, मैं इसको मारूंगा डिशम। तो दोस्तों रात के बजने वाले हैं 10, और मैंने तो दिन के चावल रखे थे, पुलाव और तहरी बनी थी दिन में, वो मैंने खा लिया है, और मगर रात में अभी गुड़िया ने बनाई है आलू मटर की सब्जी और रोटी बना रही है। आइए मैं ले चलता हूँ आपको रसोई में, मैं दिखाता हूँ क्या बनाया है। ये देखिए गुड़िया रोटी सेक रही है गर्मा गर्म कबीर के लिए, और आलू मटर की सब्जी बना रही है। देखिए पकी नहीं है, आलू मटर की सब्जी बनाई है ना दोस्तों। रात में देखिए अभी ठंड में देखिए मोजे पहन रखे, आज इसने बाल, वो लाइट चली गई थी तो ठंडे पानी में आया इसलिए ठंड लग गई है इसको। आलू मटर की सब्जी दिखाओ, बन गई है, बस थोड़ा लास्ट मोमेंट पे फिनिशिंग टच पे दोस्तों। ये देखिए गर्मा गर्म फुलकियाँ बन गई दोस्तों, चपातियाँ है ना, बना रही है, देखते हैं। मैं नहीं खाऊंगा, पराठा बनेगा तो शायद खा लूं। बस मैं रोज पराठा खिलाऊंगी, रोज पराठा। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों आपको भी अगर पराठा खाना रोज तो आ सकते हैं आप हमारे घर में, कमेंट्स करके आप, हम आप लिंक मैं उसमें शेयर कर दूंगा आपको घर का एड्रेस, तो आ जाइए। आइए दोस्तों यहाँ पे चलते हैं, माहौल गर्म हो रखा है रसोई का। तो देखा दोस्तों माहौल गर्म है किचन का ना, पराठा एक्चुअल में मेरी सेहत का ध्यान रखती है ना इसलिए तब क्या करा जाए दोस्तों, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। तो दोस्तों कबीर का खाना आ चुका, मैं तो खाऊंगा नहीं क्योंकि मैंने राइस खा लिए थे, मैं दिखा। ये देखिए कबीर ने सब्जी रोटी स्टार्ट कर दी है। श्री गणेश कैसा बना आलू मटर? मुझसे गुड़िया कह रही है मैं खा चुका, मेरा पेट भरा है, मगर वो नाराज़ है, कह रही कल से इनको पूड़ी पराठा ही खिलाऊंगा। कितने खिलाओगे पूड़ी पराठा? अभी रसोई से आवाज आएगी दोस्तों, क्यों कितने पराठे पूड़ी खिलाओगी दिन भर? आवाज नहीं आ रही है दोस्तों, कह रही है जितना तुम खा सको, बड़ी धीमी आवाज में। तो हरे कृष्णा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, हम खा लेंगे सब, हम खाते हैं, भूख लगती है, हमें लगी थी ना अभी, अरे 3:30 बजे लगी थी ना दोस्तों, देखा था आप लोगों ने हमारे एक ब्लॉग में, हम खा लेते हैं, हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। खाना लेके आइए। हाँ मुझे क्या, हम नाराज़ हो? नाराज नहीं है, मगर ये है कि कल से तुमको दिन में पराठा और शाम को पूरी ही। अरे वाह थैंक यू दोस्तों, अगर आपको पूरी पराठा खाना हो तो हमारे घर आ सकते हैं दोस्तों। तो अभी इतने प्यार से कह रही तो दोस्तों मैं इसके साथ खा लेता हूँ थोड़ा सा खाना। तो ठीक है दोस्तों, ये इतने प्यार से कह रही है तो एक रोटी खा लेता हूँ, ठीक है खाना खा के मिलते हैं फिर आपसे। तो दोस्तों ये देखिए हैरी अभी भी जस्ट ऊपर आए, मेरे खाते हैं तो
हैरी मुझे मिर्चा नहीं खाना है, जामुन। ये देखिए हैरी, हैरी तुम आ रहे हो वीडियो में, तुम्हारे लिए समोसा लाया, सब लाते हैं गर्म, मैं तुम्हारे लिए आया ठंडा समोसा। पहली बार इतिहास में हो रहा है सर। इतन में गए थे आज वहाँ सेवा कराने, ये लास्ट में पहुंचे तो गुरुद्वारे में, तो सेवा करा दी थोड़ी बहुत जो भी इनसे बन पड़ा, क्योंकि मुझे मनप्रीत ने बताया नहीं था। मैं उसको फोन भी कर रहा था, उसने फोन उठाया ही नहीं। और क्या बोलते, जब मैं पहुंचा था तब सेवा समाप्त हो गई थी। मुझे लगा कि अब पता नहीं वो आए कि ना आए, वो कह रहा था हाँ, वो कह भी रहा था कि भाई मेरा पक्का नहीं है कि मैं आऊंगा नीचे, तो इसीलिए मैं कंफर्म नहीं था। मैं उसको फोन कर रहा था, और वेट कर रही थी ये भी गुरुद्वारे में जाने के लिए, सेवा करने के लिए। मैंने सोचा शाम को होगा, मगर दोस्तों मैं इनको बहुत ही जल्दी मंदिर ले जाऊंगा, वहाँ सेवा भाव करेंगे ये लोग, इस्कॉन के मंदिर में यहाँ पे एक लखनऊ में, वहाँ ले जाऊंगा संडे को। और उससे पहले हम जा रहे हैं हैरी को मिर्चा खिलाने। ये तुतलाता हुआ हैरी तुतलाता है, तो कहते हैं मिर्चा खाने से तुतलाओ, खिलाओ खिलाओ खिलाओ, जीभ खींचने से भी होता है। और इधर ये देखिए, ये प्रभु जी तैयारी कर रहे हो सोने की। और फ्रेंड्स ये तन में ले आया है हरी मिर्चा, और ये है हैरी, हरी मिर्चा है हैरी खाएगा, खा कर रहेंगे इसको। ये मामा है और ये भैया, छोड़ के खिलाना और हम ऊपर से तरसा खिला दे। ये फ्रेंड्स दोनों भैया लड्डू खिला, लड्डू नहीं खिलाया, नहीं खिलाया दोस्तों। अब देखे अब हैरी कैसे बोलता है, देखो दिखा, बोल ले रहा, बोल बोले बोले सही, नहीं अब सही बोल ले रहा, मिर्चा खाने सही बोला, देखे देखे बोल के दिखा एक बार। अब कबीर खिला रहे हैं हैरी को लड्डू, लड्डू खाओ, लड्डू खाओ, मीठा खा ले, खा ले। अरे मिर्चा नहीं खिला, अरे भैया रे, अरे वाह, लड्डू खा इसको, ये ले खा, नहीं अरे लड्डू है ये, लो ये खा ले, दो में से चाचा का लेंथ है। ये दो बच्चे बच्चे को, दो बच्चे मिर्च खिला रहे, हैरी को हैरी मिर्च खिला रहे। हैरी अब बोलो, अब देखे हैरी सही बोल रहा है, बोलो तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर तो और एक्सपेरिमेंट फेल, एक्सपेरिमेंट और खराब हो गया, और 10 मिर्च खिला, तुमको इसको खाना पड़ेगा तब सही बोलोगे, तुमको खाना पड़ेगा ना, खाओ फिर हैरी चला गया है नीचे दुतलाते। ये इतना तन्मय और कबीर ने बहुत तंग किया उसको, रुला के रोया नहीं, खैर मजाक करके चला गया, उसको नीचे भेज दिया है। अब तन्मय जा रहा है चाय बनाने, और तन्मय बनाने जा रहा है चाय। इसलिए देखिए कप सजा लिए हैं, आज बड़ी मम्मी भी चाय मांग रही हैं, बना लेगा। तो पहले ये कबीर को दूध देंगे और हम लोग चाय पियेंगे। पहले मैं थोड़ा सा बादाम भिगो देती हूँ वरना मैं भूल जाऊँगी। और ये मैंने बादाम भिगो दिए हैं थोड़े से, और ये कबीर के लिए मैंने दूध गर्म कर दिया है, तन्मय बनाएंगे चाय। तो दोस्तों अब हम भी चाय पियेंगे इसके बाद, है ना, और ठंड तो अभी पड़ी रही है, आज दिन में धूप भी निकली थी, धूप निकली थी मगर फिर शाम को वैसे ही मौसम गलन हो गई थी, बट जब तक ये मौसम चल रहा है ऐसे अभी रहेगा हफ्ते 10 दिन, तब तक आप सभी लोग अपना अपना ख्याल रखें। और अब जिनके घर में भाई बड़े बुजुर्ग हैं, पेरेंट्स हैं, तो उनका ओल्ड एज वाले हैं, तो उनका स्पेशली ध्यान रखिए, और कई बच्चों का भी ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत इस ठंड से बचना चाहिए, क्योंकि बताते हैं डॉक्टर्स भी बताते हैं, काफ़ी लोग बड़े बुज़ुर्ग बताते हैं कि ये ठंड काफ़ी नुकसान करती है अगर लग जाती है किसी को।
और दोस्तों बस यही आप लोगों का प्यार बना रहे। और हमारा हम अभी अपने कई दोस्त हैं, मेरे दोस्त कई कह रहे हैं कि आइए आप हमारे साथ व्लॉग शूट करिए, है ना। तो जब भी कभी उनसे मिलेंगे तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं तो हम दोनों जाएंगे उनके घर और व्लॉग को शूट करेंगे उनके घर, ठीक है ना। इसी तरह आप लोगों का प्यार मिलता रहे और हमारे व्लॉग बनते रहें और दिनचर्या चलती है। और हमारे अब धीरे धीरे 100 व्लॉग्स कंप्लीट होने वाले हैं। हाँ राइट। तो ऐसे ही बस आप अपना प्यार देते रहिए, हमारे व्लॉग्स देखते रहिए, है ना। और ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए और फैमिली बढ़ाते रहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, देखिएगा जादू कितनी जल्दी होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ना। उस बटन को जरूर दबाइएगा सारे, और ऑल नोटिफिकेशन को जितने भी हमारे व्लॉग्स हैं सब देखिएगा। आप लोग जो नए हमारे व्यूवर्स हैं उसको जरूर से जरूर सारी वीडियो देखें। और कुछ सजेशन भी देना चाहे तो आप सजेशन भी दे सकते हैं। तो तन्मय की हाथ की गरम गरम चाय का मजा लेते हैं। ऐसे तो मैं ही चाय बनाती हूँ, मगर रात की ड्यूटी आजकल तन्मय की लगी हुई है। रात की जो चाय होती है अक्सर 99% चांसेस होते हैं तन्मय बनाता है, अगर रहता है यहाँ पे तो ऊपर, अगर नीचे पड़ा वड़ रहा है तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो कोई चाय बना के दे दे तो कितना अच्छा लगता है। हाँ ये प्रभु की माया है, बस यही है। खैर कबीर भी बना लेता है, तन्मय भी बना लेता है, ये दोनों चाय बना ये भी लेते हैं मगर ये बनाते नहीं है। दोस्तों मैं क्या करें, मैं तो नहीं बस बनाता, ठंड बहुत लगती है। तो दोस्तों इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। हाँ। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नई शुरुआत के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, नई सुबह के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें। गुड नाइट।